एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम सारे स्टूडेंट को अपना वेट चेक कराते हुए देखते हैं। कोच वांग को बोलती है कीप इट अप, अच्छा कर रही हो। अब डॉन बेचारी बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी बट उससे होता ही नहीं, तो कोच उसे वहां से भगा देती है। अब टर्न था हाराली का। हाराली चढ़ती है बट उसका वेट ज़्यादा की जगह कम निकलता है। कोच बोलती है ये ख़राब हो गया है क्या, और वो खुद चढ़ के देखती है और बोलती है तुम सबको हुआ क्या है, ये वेट बढ़ाने का वक्त है घटाने का नहीं, हुआ क्या है तुम्हें। हाराली बोलती है 2 दिन से मुझे डायरिया हो गया था। कोच बोलती है अब से तुम डाइट पे ध्यान दोगी। अब फिलाइन में हम डॉन को देखते हैं जो ज़बरदस्ती ज़्यादा खाना लेने के लिए हाराली को बुला रही थी। एक लड़की बोलती है ऐसे तुम लोग लाइन नहीं तोड़ सकती। हाराली बोलती है बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉन फिर भी उसे टान के उस लाइन पे ला ही जाती है। हाराली वहाँ पे क्यूकम्बर लेने वाली थी, डॉन उसे आँख दिखाती है तो हाराली एक पॉर्क ब्रेस्ट बढ़ाती है। अब हाराली गुनान को देख लेती है और चिल्ला के बोलने लगती है मुझे नीमो फिश भी चाहिए, और वो धीरे से हेल्प मांगती है। वो अब और ज़्यादा खाना ले लेती है। हाराली डॉन और वांग को भगा देती है। अब डॉन और वांग उसे बैठने को बुला रहे थे बट हाराली को गुनान इशारा करता है, वो बहाना मार के वहाँ से चली जाती है। गुनान रुई के पास अपना भी खाना और हाराली का भी खाना लेकर आता है। रुई बोलता है कि पगला गए हो क्या, तुम इसे खाओगे। गुनान बोलता है कि सडनली मुझे वेट बढ़ाना है। अब डांस क्लास में कोच सबका वेट चेक कर रही थी, वे ने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था। कोच उसको डांटने लगती है कि तुमने फिर से वेट बढ़ा लिया। सारी लड़कियां खुसुर पुसुर करने लगती है। कोच बोलती है कि तुम सब क्या खुसुर पुसुर कर रही हो, वेट का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं, वेट को कम रखना आसान नहीं होता। गुनान पेट पकड़ के हाराली के पास आता है जहां हाराली उसे खाना देती है और उन्हें वेट देख लेती है और उनको छुपके से वो देखने लग जाती है। गुनान को वो बाय बोल निकल जाती है बट गुनान को उस पर गुस्सा आ रहा था। अंकल पार्सल लेकर डोम के बाहर आते हैं। वहाँ डॉन आकर बोलती है कि अंकल आपने हमारे लिए इतना सारा कुछ लाया है, आप कितने अच्छे हो अंकल। अंकल बोलते हैं मेरे भतीजी के लिए लाया है मैंने, बट वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। ये दोनों फिक्र में आ जाती हैं। मिसेज यांग हाराली को गुड लक करते हैं फॉर हर वेट लॉस जर्नी। हाराली जैसे डोम आती है दोनों दोस्त उसे पकड़ बोलती है चल क्या रहा है। डॉन बोलती है कहीं तुम जियांग को डेट करते हुए चीट तो नहीं कर रही ना हमें। हाराली बोलती है अरे यार कुछ भी। तो डॉन बोलती है वेल तुम और गुनान कैंटीन में कर क्या रहे थे। हाराली बोलती है आई स्वेयर अगर मैं गुनान को पसंद करूंगी तो बिजली कड़केगी। और तभी बिजली कड़कने लगती है और वहाँ वे आती है और वो बोलती है उसे सोना है। डॉन और वांग वहाँ से चले जाते हैं। वे हाराली को इग्नोर कर रही थी जो उसे अजीब लगता है। अब इधर हाराली की दोस्त फिर से बहुत कुछ उसे बोल रही थी। हाराली बोलती है आई स्वेयर ये गुनान की वजह से नहीं हुआ। डॉन बोलती है यार ये स्वेयर मत बोलो वरना फिर से बिजली कड़केगी। हाराली को मिसेज जियांग का मैसेज आता है तो डॉन बोलती है कि मैं रिप्लाई करूंगी मैं, और वो पढ़ती है कि कल की डाइट वेट लॉस कोर्स सक्सेसफुल रही। और वो तभी इस बात पे गौर करती है और वो चीखने वाली होती है कि तुम्हें वेट कम क्यों करना है। हाराली उसे छुपाती है। हाराली डॉन को अपने साथ मिसेज जियांग के वर्कशॉप के बाहर लाती है। दोनों छिपके थी। डॉन बोलती है कैसी दोस्त हो यार, या फिर दोस्त हो भी कि नहीं। हाराली दिखाती है देखो देखो वो आ रहे हैं। डॉन ये देख खुश होने लगती है। डॉन बोलती है तब तुम यहाँ इतने पैसे इन्वेस्ट करके यही करने आया करती थी। डॉन उसे कॉन्ग्रेट्स करती है और बोलती है मेरा वक्त कब आएगा। दूसरी डांसर्स लोग वे के चीज़ों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे पर वो लोग वे की आवाज़ सुन भागते हैं और उनमें से ल्याव ल्याव का एक हेयर पिन वहीं रह जाता है। वे टेंश थी तो वो खाने लगती है और उसको कोच देख लेती है। हाराली डॉन को बोलती है कि मिसेस जियांग उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, हर बात पे स्माइल पास करते हैं, वो जेंटलमैन है। वो जेंटलमैन होने का प्रिटेंड नहीं करते बल्कि ये नेचुरल होता है। जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये सब सुन डॉन बहुत एक्साइटेड हो रही थी। डॉन बोलती है मुझे भी ये सब एक्सपीरियंस करना है यार। वो लोग उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने लगती हैं। तभी वांग आकर बोलती है कि क्या हो रहा है। वो लोग उसे कुछ नहीं बताते। अब डांस क्लास की कोच देखती है कि वेट चेकर टूटा हुआ था। वहाँ वे आती है। कोच पूछती है ये तुमने किया है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बैग में क्या है। वे बताती है कि टेक्स्ट बुक। वे इस सारे इंजाम से मना करती है बट कोच बाहर कर देती है उसे। वांग को डॉन और हाराली की बात याद आ रही थी जहाँ पे वो सोच रही थी कि वो दोनों मुझसे क्या छिपा रही हैं। रूई वहीं पे खेल रहा था।
उसे लगता है कि वो कूल लग रहा है। तभी उसकी नज़र वांग में जाती है जिसे सब बोल रहे थे ये लड़का है या लड़की। रूही बोलता है कि लड़की है ये। वांग उन सबको बॉल चला के मारती है मगर बॉल रूही के बैग में जा लगती है और वो रूही के पास आती है। रूही बोलता है मैं तो बस तुम्हें डिफेंड कर रहा था, क्या तुम मुझे मारोगी? और वो उसे अपना फ़ोन दिखा बोलता है तुमने इसे फोड़ दिया, अब जुर्माना कौन भरेगा? तुम भरोगी, चलो भरो अब। अब दोनों सेल फोन शॉप में आते हैं जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही धड़पड़ कर रहा था जिससे वांग अनॉय हो रही थी। वो उसे अपना फ़ोन गेम खेलने को देती है। रूही उसे उसको देखने को बोलता है ताकि वो भी उसकी तरह प्रो बन जाए। उसका फ़ोन रिपेयर होते ही वो फ़ोन लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है और बोलता है अगली बार तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। डांसर्स वे के बारे में बात कर रही थी कि कोच उससे डिसअपॉइंट है और अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी लापरवाही की ही तो वजह से हो रहा है। वे वहाँ आकर बोलती है कि ज़्यादा नहीं हो रहा तुम लोग का, पर तुमने सबूत तो छोड़ ही दिया था। ल्याओ ल्याओ बोलती है कि उसके कहने का क्या मतलब है और वे उसे हेयरपिन दिखाती है और हमें दिखाया जाता है वे को वह हेयरपिन उसी दिन मिल गया था। वो गुस्से में रूम आकर स्नैक्स खाने लगती है। वे गुस्से में सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। वे एक नोट देखती है जो कि और कुछ नहीं हारा ली की वेट लूज डाइट रूटीन थी। गुना इधर खेल रहा था और वो वे को देखता है। हराली अपनी क्लास आती है जहाँ पे वांग उसे बोलती है ब्लड खाया था तुमने? हराली बोलती है हाँ हाँ खाया था ना, और रात में तो मैंने सी फूड भी खाया। और वो कुश्ती करके भी दिखाने लगती है। डॉन हराली से पूछताछ करने लगती है। तभी कोच हराली को बुला लेती है। कोच हाराली को वो वेट लूज डाइट रूटीन दिखा बोलती है कि ये क्या है। अब हाराली के डैड वहाँ आकर उस पे चिल्ला पड़ते हैं कि पागल लड़की तुमको वजन बढ़ाना है तो घटा रही हो, तुम्हें क्या अपना अपॉर्चुनिटी खोना है? हाराली बोलती है मैं क्या करूँ, किसी ने मुझसे डिस्कस तो किया ही नहीं। डैड हाराली को कोच से माफ़ी मांगने को बोलते हैं। हाराली बोलती है मेरी गलती है ही नहीं, मैंने नहीं मांगना माफ़ी। कोच बोलती है मेरी गलती है कि मैंने पूछा नहीं, बट तुम्हें बताना होगा तुम वेट लॉस क्यों करना चाहती हो, तुम्हें यहाँ के डिसिप्लिन पता नहीं है क्या? वो उसको पनिश कर देती है ग्राउंड में दौड़ लगाने का। अब वो दौड़ लगाती है और एक वर्कआउट करने लगती है। ट्रेनर बोलते हैं कोच ने तुम्हें माफ़ किया। हराली बोलती है रहने दो मैं 100 बार ये वर्कआउट करूँगी। हराली 100 काउंट पूरे कर लेती है। कोच पूछती है बताओ तुम वेट लॉस क्यों करना चाहती हो? चलो मत बताओ, मैं सोचूंगी कुछ हुआ ही नहीं। आज से तुम्हें वेट गेन करना होगा। हराली को वांग और डॉन लेकर जाते हैं। ट्रेनर कोच को बोलते हैं ये ज़्यादा बड़ी पेनल्टी नहीं हो गई? वे अब रूम में बोलती है कि क्या हुआ। डॉन बोलती है कि कुछ नहीं, ज़्यादा वर्क कर लिया है इसने। वे को देख ऐसा लग रहा था ये सब उसी का किया धरा है। अब हाराली अपना वेट गेन प्रोसेस चालू करती है। हाराली को मिसेस यांग का कॉल आता है और वो कॉल कट कर देती है। अब घर में मिसेस यांग गुनान को हाराली के बारे में बताते हैं कि वो कोई कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही और ना ही क्लिनिक आ रही है। अब गुनान टेंशन में आ गया था। गुनान हाराली के रेस्टोरेंट आता है। अंकल उसे बताते हैं हाराली सीक्रेटली वेट लूज कर रही थी। गुनान हाराली को अपना स्टिकर भेजने लगता है। वो देख वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती तो वो उसे और भी स्टिकर्स भेजने लगता है। वो उसे दिलासा देता है कि सब ठीक होगा। डैड गुनान की आहट सुन लेते हैं और दौड़ने लगते हैं चाकू लेकर। हराली भी उठ जाती है। हराली उसे रूम के अंदर लेकर जाती है। अंकल देख लेते हैं उन दोनों को। हराली गुनान को बेड में छिपा देती है। वह अंकल आकर ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि गुनान हो ना हो यहीं है। अब डैड भी रूम के अंदर आ जाते हैं। अंकल जैसे तैसे करके डैड को वहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। गुनान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद वो बेड से निकलता है। गुनान बोलता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है यार। हराली बोलती है आज डॉक्टर जियांग का बर्थडे है। तो गुनान उसे बताता है कि वो उसके लिए बहुत वॉरिड है। हराली बोलती है कि उन्हें पता तो नहीं चला ना। गुनान बोलता है जितना अब्सेंट करती हो ना पता चल ही जाएगा। गुनान बोलता है कि क्या तुम अंकल जियांग को पसंद करती हो? हराली की बोलती है कि बहुत ज़्यादा करती हूँ। गुनान बोलता है अगर उनको ये सिचुएशन के बारे में पता लगेगा तो वो डिसअपॉइंट होंगे। अब हराली गुनान को बाहर लेकर आती है और वो भाग कर वहाँ से जाता है और उन्हें अंकल देख लेते हैं और हराली भी अंकल को देख लेती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।